powerful businesses in the global economy. MCX Stock Exchange, India's new stock exchange, presents CNBC TV18's India Business Leader Awards 2010, this December in Mumbai. Presided over by Shri Pranab Mukherjee, Honorable Finance Minister. Presented by MCX Stock Exchange. Associate sponsor, Teachers Origin Music CDs. Supported by Mint. Outdoor partner, Bright Outdoor. Captain Media partner, Live Media. ये है Network 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। आवाज एंटरप्रेन्योर के प्रायोजक हैं रेलिगेयर कमर्शियल लोन्स। इन योर सक्सेस लाइज आवर्स। नमस्कार, आवाज एंटरप्रेन्योर में आप सभी का स्वागत है। सीएनबीसी आवाज और एंटरप्रेन्योर मैगजीन की इस जॉइंट पेशकश में हम आपको नए बिजनेस आइडियाज तो देते हैं ही, साथ ही ये भी बताते हैं कि उस बिजनेस को करने में आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। आज हमारा फोकस है वेब बिजनेस पर, जिसकी कुछ मिसालें हम आपको आज शो में दिखाएंगे। आज देखिए हमारे साथ। बस की लंबी लाइन में फणिंद्र ने ढूंढा अपना बिजनेस webbus.in। कंप्यूटर गेम्स की है दुनिया दीवानी, लेकिन वेबसाइट के पीछे बिजनेस की कहानी शो में आगे। और आपके वेब बिजनेस शुरू करने में अब सिर्फ कुछ ही देर का फासला। स्टूडियो में है हमारे साथ सीरियल वेब एंटरप्रेन्योर आलोक केजरीवाल। चलिए शो की शुरुआत करते हैं एक छोटे से सफर से, बस बंगलुरु तक का। तनुश्री बैनर्जी निकली है webbus.in की कहानी जानने, हम भी चलते हैं। इंदौर के लिए आज की टिकट मिल जाएगी बस की? इंदौर के लिए नहीं मिलेगा आज। नहीं मिलेगा? आज फिर मुझे टिकट नहीं मिली, यानी ये वीकेंड भी मैं घर नहीं जा पाऊंगी। कितना फ्रस्ट्रेटिंग और इरिटेटिंग होता है ना कि आप बस स्टैंड पे आओ और आपको टिकट ही ना मिले। क्या ऐसी कंडीशन में आपको कोई बिजनेस आइडिया सूझ सकता है? मुझे तो नहीं, लेकिन फणिंद्र सामा को ऐसी सिचुएशन में सूझा एक नया बिजनेस आइडिया, redbus.in। redbus.in एक ऑनलाइन बस टिकट बुकिंग सर्विस है। इस पर जाकर आप देख सकते हैं कि दो डेस्टिनेशन के बीच कितनी बसेस हैं, कितने वक्त में निकलती हैं और अपनी टिकट बुक भी करवा सकते हैं। ऐसी वेबसाइट का ख्याल फणिंद्र को दिवाली के मौके पर आया, जब घर जाने के लिए लोगों की सबसे ज्यादा भीड़ बस स्टेशन पर नजर आती है। एक्चुअली इसका शुरुआत दिवाली से हुआ है, 2005 दिवाली से। मैं बैंगलोर में रहता था, पेरेंट्स हैदराबाद में रहते थे। मैं बस लेने के लिए बस स्टॉप में गया, मेरे को बस नहीं मिला है। एंड देन आई स्पेंड सम टाइम टू अंडरस्टैंड हाउ दिस वर्क्स। दैट्स व्हेन मुझे समझ में आया कि ये पूरा मैन्युअली होता है और यहाँ पर कंप्यूटर्स ये काम बहुत आसान कर सकते हैं। फणिंद्र के पास बिट्स पिलानी से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री थी। ये वेबसाइट सेटअप करने के लिए तो काफी था, लेकिन वेबसाइट को बाजार में उतारने से पहले ये तय करना जरूरी भी था कि ऐसा प्रोडक्ट बाजार में चलेगा भी या नहीं। तो फणिंद्र ने वेबसाइट फ्लोट करने से पहले मार्केट रिसर्च की। एक तरह से देखे तो ये बस इंडस्ट्री बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड है। ये किसी को भी पता नहीं था कि कितने बसेस चला रहे हैं, कौन चला रहे हैं, कौन से रूट में चला रहे हैं, कौन से टाइम में बस निकलेगी। इंफॉर्मेशन किसी के पास भी नहीं था, तो मगर हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी थी पहले स्टेप लेने से पहले। सो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने बॉम्बे गए, हैदराबाद गए, चेन्नई गए, बेंगलोर गए, सारे बस ऑपरेटर्स के पास जाके उनसे रफ एस्टिमेट लिए कि उनके पास कितने बसेस हैं, और उनके कंपटीशन के पास भी जाके हमने पूछा था कि इनके पास कितने बसेस हैं, और हमारे पास रफ एस्टिमेट से कुछ नंबर्स निकल के आए थे, और उन सबको ओवरलैप करके हम एक नंबर में पहुंचे थे, विच इज अ वेरी वेरी रफ एस्टिमेट। इस जानकारी की खोज के बाद फणिंद्र ने अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर सॉफ्टवेयर पर काम करना शुरू किया। क्योंकि इन्होंने खुद ही सॉफ्टवेयर बनाया, इसीलिए बिजनेस शुरू करने में इनका सिर्फ 5 लाख का ही खर्चा आया, जो तीनों दोस्तों ने अपनी सेविंग से निकाली।
जो भी लीगल चीज़ें चाहिए, जैसे कि कंपनी का बैंक अकाउंट को ओपन करे, कंपनी रजिस्टर करे, वो थोड़ा एक्सपेंसेस थे अबाउट 40-50 हज़ार। उसके बाद हमने एक ऑफिस लिया है, वो ऑफिस का एडवांस देना था, मंथली रेंटल देना था, थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आए, सो उसमें जो है थोड़ा पैसा खर्च हुआ है। मगर लकीली फरज हमारे को सॉफ्टवेयर का कॉस्ट नहीं था, क्योंकि हम ही सॉफ्टवेयर डेवलपर्स थे तो हम ही ने डेवलप किया है। redbus.in में आपको एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन तक जाने वाली सभी बस सेवाओं की पूरी जानकारी मिलेगी, जैसे कितनी बस सर्विसेज हैं, उन बस का वक्त क्या है और कितनी सीट्स अभी बाकी हैं। बस की टाइमिंग्स तो ठीक है, लेकिन इन बस ऑपरेटर्स के पास कितनी सीट्स अभी खाली है, ये जानने के लिए redbus को बस ऑपरेटर्स के बदलते सीटों की जानकारी कैसे मिले, इस मुश्किल के हल में फणिंद्र ने बिजनेस अपॉर्चुनिटी निकाली। वो अप टू डेट इंफॉर्मेशन लाने के लिए हमें बस ऑपरेटर्स को सॉफ्टवेयर देना पड़ता है, ताकि वो व्हेन दे यूज इट हमें अप टू डेट एवरी सेकंड एवरी मिनट हमें इंफॉर्मेशन मिलता है। सो दैट इज हाउ हमारा सॉफ्टवेयर बिजनेस हमारे redbus बिजनेस को सपोर्ट करता है। इस तरह लोग जैसे ही अपनी सीट बुक करवाते हैं, redbus हर बुकिंग पर बस ऑपरेटर से कमीशन लेता है। साथ ही redbus के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कराने के लिए बस ऑपरेटर्स को हर महीने एक फी भी देनी पड़ती है। हमारा जो redbus बिजनेस है उसमें वी आर ओनली ट्रैवल एजेंट्स, सो वहाँ पर ट्रैवल एजेंट का कमीशन मिलता है हमें बस ऑपरेटर से। जैसे इसे एनी ट्रैवल एजेंट गेट सम कमीशन फ्रॉम द प्रिंसिपल, वी गेट कमीशन लाइक दैट इन आवर फर्स्ट बिजनेस। और सेकंड जो बिजनेस है सॉफ्टवेयर देने का बस ऑपरेटर्स को, वहाँ पर सॉफ्टवेयर के लिए वो हमें पे करेंगे, आइदर मंथली पे करेंगे या एवरी सीट जो बिकता है उसमें थोड़ा फ्रैक्शन ऑफ परसेंटेज हमें पे करते हैं। इस तरह लोगों की परेशानी का हल निकालती 2006 में शुरू redbus ने महज 3 सालों में ही ब्रेक इवन कर लिया। लेकिन अच्छे बिजनेस को अपने कॉम्पिटिटर संभालना आना चाहिए। फणिंद्र ने तो इसमें भी कमाल कर दिया, अपने कॉम्पिटिटर्स को भी अपना क्लाइंट बना लिया। थर्ड बिजनेस, अभी सेकंड बिजनेस के कारण हमें सारे बस ऑपरेटर्स में के पास कितने बसेस है, कितना सीट्स अवेलेबल है एवरी सेकंड, वो इन्फॉर्मेशन हमें मिलता है। तो अभी redbus के लिए अगर जो भी कंपटीशन या redbus के तरह और जो भी कंपनियां करना चाहते हैं उनको भी अप टू डेट इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो कैसा ला पाएंगे, उन्हें भी जाके सॉफ्टवेयर देना पड़ता है बस ऑपरेटर्स को अप टू डेट इन्फॉर्मेशन लाने के लिए। मगर वो बस ऑपरेटर्स पहले से ही हमारे सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, तो दे कांट पुट अनदर सॉफ्टवेयर व्हेन पीपल आर ऑलरेडी यूजिंग दिस सॉफ्टवेयर। तो हमने उनको बोला है कि आप सॉफ्टवेयर देने की ज़रूरत नहीं है, हमने पहले सॉफ्टवेयर दे चुके हैं, तो हमारा सॉफ्टवेयर में से आप जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो ले सकते हैं। तो आवर कॉम्पिटिशन और एनीबडी हु वांट्स टू डू दिस बिजनेस कैन टेक द इन्फॉर्मेशन अबाउट बसेस डायरेक्टली फ्रॉम अस, दे नीड टू गो टू द बस ऑपरेटर्स एंड व्हेन दे टेक दैट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अस वी चार्ज देम सम मनी एंड दैट इज आवर रेवेन्यू फ्रॉम द थर्ड बिजनेस। redbus के कॉम्पिटिटर्स को इस सर्विस के हर सीट की बुकिंग पर कुछ परसेंटेज redbus को देना पड़ता है। इतने सशक्त बिजनेस मॉडल को मार्केटिंग की जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ गूगल ऑप्टिमाइजेशन और वर्ड ऑफ माउथ ने ही मार्केटिंग और पब्लिसिटी दोनों का काम कर दिया। आज ये सर्विस भारत के 15 प्रांतों में है और इनके साथ करीब 700 बस ऑपरेटर्स और 10,000 बसेस हैं। तनुश्री बैनर्जी, बैंगलोर। इसी शो में हमने आपको कई बार पहले भी बताया है कि आपका बिजनेस आइडिया आपके ही आसपास है। जैसे फणिंद्र को अपनी और दूसरों की दिक्कतों में एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखी, वैसे ही आपको भी अपना बिजनेस आइडिया अपने ही इर्द गिर्द मिलेगा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद देखेंगे गेमिंग एंथुजियास्ट को कैसे games2win.com ने बदला अपने डेडिकेटेड फॉलोअर्स में। Nandi Group of Industries, Nandi, naam vishwas ka. Mera lag pesh karte hain Healthy Home Paints. नेरोलैक, कुछ चेंज करें, चलो पेंट करें। व्यस्त एयरपोर्ट और शेड्यूल की भागदौड़ से गुजरते कहीं एक ऐसा पल जो आपसे कहे हर राह मंजिल के खातिर नहीं, कहीं आपका दिल भी जानता है हर दिन में समय सिर्फ 86,400 पल। ड्रेस कोड रीड एंड टेलर। वाओ, व्हाट अ गाइस।